इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं। वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज आपकी सुरक्षा के लिए। नमस्कार, आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण बागी। आज हमारे सामने हैं देश के मशहूर अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आर एन सिंह। डॉक्टर सिंह को हाल ही में अभी पद्मश्री सम्मान मिला है और बिहार के ये उन इन्हें गिने चिकित्सकों में हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी खास पहचान बनाई है, एक मुकाम हासिल किया है। डॉक्टर सिंह बहुत छोटे जगह के रहने वाले हैं, सहरसा जैसे जिले के रहने वाले हैं, मगर इन्होंने अपने कार्य क्षेत्र से अपनी ख्याति पूरे देश में फैलाई है। विदेशों में भी कई सम्मान समारोहों में इनका आना जाना हुआ है, कई बार सम्मानित किए गए हैं। डॉक्टर सिंह ने अपना एक संस्थान स्थापित किया है, अनूप मेमोरियल ऑर्थोपेडिक सेंटर, जो पूरे बिहार में पहला ऐसा सेंटर है जहां अस्थि रोग विशेषज्ञ के रूप में छात्रों को ये प्रशिक्षण देते हैं और जो मेडिकल के छात्र हैं, जो हड्डी रोग विभाग के छात्र होते हैं, वो इनके संस्थान में प्रशिक्षण लेने के लिए आते हैं। भारत सरकार से इन्हीं के संस्थान को इसके रूप में मान्यता दी गई है। डॉक्टर सिंह, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम ये जानना चाहते हैं कि सर्वप्रथम तो आपको इस सम्मान के लिए भाई, बिहार में आपको काम करते हुए अपनी सेवा देते हुए काफ़ी समय हो गए, तो बिहार में जो स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति है, वो आप तो देश विदेश सब जगह जाते रहे, तो देश के अन्य हिस्सों के मुकाबले बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं की क्या स्थिति है? देखिए, विदेशों के साथ इसकी तुलना नहीं की जा सकती है, बिकॉज वहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आधारभूत जो सेवाएं हैं, वो इतनी अच्छी हैं कि उसका हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन बिहार में को हम अपने देश में दूसरे राज्यों से बहुत अच्छी तरह से इसकी ये कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये आने 15-20 सालों में जब हमारे यहाँ काफ़ी अच्छे अच्छे डॉक्टर्स आए हैं, तो बिहार भी एक मेडिकल क्षेत्र में काफ़ी अच्छा नाम रखा है। एक समय ये था कि माना जाता था कि जो बिहार के जो मेडिकल संस्थान हैं, जो मेडिकल कॉलेज हैं, वो पूरे देश में एक खास स्थान हासिल करते थे और बाहर से छात्र यहाँ पढ़ने आते थे मेडिकल की पढ़ाई, मगर आज इसका उल्टा देखा जा रहा है कि यहाँ से छात्र बाहर पढ़ने जा रहे हैं और यहाँ जो संस्थान हैं वो काफ़ी डिटोरिएट किए हैं। ये बात सही है कि शैक्षणिक स्तर में थोड़ा गिरावट आई है, लेकिन अभी भी पटना का जो एटलीस्ट ऑर्थोपेडिक्स की बात रही कहा जाए तो बहुत अच्छा इसका स्तर है। और अभी मैं कुछ दिन पहले पद्मश्री मिलने के बाद मैं महामहिम राज्यपाल जी से मिलने गया था, तो उन्होंने भी यही कमेंट किया, बिकॉज वो आसाम की तरफ से आते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं पटना के हड्डी रोग विशेषज्ञों की बहुत कदर करता हूँ, और उन्होंने मुझे इसकी बधाई दी। उन्होंने कहा कि हमारे इलाके के काफ़ी लोग यहाँ पटना हड्डी रोग विशेषज्ञों का लाभ लेते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पटना में ऐसी बात नहीं कि बहुत स्तर गिरा है। हाँ, जो नई आप जिस समय पढ़ाई करते थे पीएमसीएच में, उस समय जो माहौल हुआ करता था, उस समय जो शिक्षक हुआ करते थे वहाँ, और उसमें और अब में तो बहुत जरूर बहुत अंतर हुआ है। प्राइवेट प्रैक्टिस को लेकर के जो अच्छे अच्छे डॉक्टर यहाँ प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें हुआ है, लेकिन शैक्षणिक स्तर में थोड़ी गिरावट आई है। फिर भी हाथी बैठता भी है तो बहुत ऊँचा रहता है। पटना मेडिकल कॉलेज की मैं बहुत कदर करता हूँ, बिकॉज मैं वहाँ से MBBS भी किया हूँ, MS भी किया हूँ। आज जब कभी भी जाता हूँ तो मुझे थोड़ा अफसोस जरूर होता है कि इसकी स्तर इतनी अच्छी नहीं है। तो इसकी क्या वजह है, गिरावट क्यों है? गिरावट सबसे पहले तो मानसिकता लोगों की है। देखिए, हमारे यहाँ तीन तरह के रोगी होते हैं। एक रोगी होता है जो बेचारा गरीब है, वो अगर पटना तक किसी तरह चला आया तो फिर उसके बाद कहीं नहीं जा सकता है। पटना में अगर उसके पास इतना पैसा है तो प्राइवेट में काम कराता है, नहीं तो फिर PMCH में ही जाता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। दूसरे ग्रुप के रोगी हैं जो बहुत धनी हैं, उनको पटना के किसी भी चिकित्सा पर विश्वास नहीं है। उनको मैं फर्स्ट एड पेशेंट्स कहता हूँ, वो जो प्रारंभिक चिकित्सा हम लोगों से लेते हैं, उसके बाद उनको संतोष ही नहीं होता है कि मैं यहाँ अच्छा इलाज करा पाऊँगा, जो भी स्तर हो, और वो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जहाँ भी जाना चाहते हैं चले जाते हैं। जो बीच के ग्रुप के पेशेंट होते हैं, जिनके पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो तुरंत विदेश बाहर चले जाएं इलाज कराने, और इतना कम भी पैसा नहीं है कि जो एक डॉक्टर कह दे या एक जगह जो सुझाव मिल जाए उसको मान लें। अभी ये बताया जा रहा है कि मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों की भारी कमी है और कॉन्ट्रैक्ट पर शिक्षक लिए जा रहे हैं, वो भी मिल नहीं रहे हैं शिक्षक, तो आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि सरकार चाह रही है नियुक्ति करना और शिक्षक नहीं मिल रहे हैं? नहीं, उसका तो मेन कारण जो है,